सच की राह दिखा कर दाता, सबके पाप मिटाते हो, भान भुला कर इस दुनिया का मंजिल तक ले जाते हो, मंजिल तक ले जाते हो, तेरे साथ से सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
तुम यहाँ आई हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारणा भी करनी है। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है बताइए। बाबा की याद में रहेंगे तो सदा रिफ्रेश रहेंगे, और सब कुछ बाबा के ऊपर सौंप देंगे तो रिफ्रेश रहेंगे, और उत्तर है, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं, बहुत गर्मी से आए, पूरा एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो आप कितना रिफ्रेशमेंट हो जाते, क्या कहते, आहा बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा सुदर्शन चक्र फिराती रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बाबा ने जो बातें सुनाई, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को क्या करना है, सारा दिन मनन चिंतन करना है। जैसे हम मक्खन को निकालते हैं, जितना फिरते हैं, फिरते जाएंगे तब मक्खन निकलता है। ऐसे ही बाबा कहते बच्ची, ये ज्ञान भी ऐसा है, जितना आप मनन चिंतन करते जाओगे उतना आपको क्या नई नई पॉइंट्स निकलेगी, और आपको खुशी भी होगी, हाँ, रिफ्रेश, बोरिंग नहीं लगेगी, ज्ञान बोरिंग नहीं लगेगा। फिर बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं बच्चे, 1 सेकेंड में, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है। क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र नहीं फिराएंगे तो हम राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं, जो स्वयं को ही नहीं जाना, स्वयं का ही दर्शन नहीं किया, तो बाबा के तो कैसे विश्व के मालिक बनेंगे। जब स्वयं का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं,
अब इतनी गर्मी की सीजन में पंखा नहीं चलाओ तब देखो क्या हालत होती है। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठती हो तो बहुत रिफ्रेश होती हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते तो उनको समझाना चाहिए। जिसको नहीं पता है बाबा कहते उसको बताओ, नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। राजा बनना है तो क्या करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देती है, नारायण के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र दिखाए, अकेले को भी देती है। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है, बाबा ने क्या कहा, एक सेकेंड में। बच्चे निश्चय हुआ, स्वयं में निश्चय हुआ, बाबा में निश्चय हुआ, ड्रामा में निश्चय हुआ, बस बन गए विष्णु के मालिक। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी, देवताओं को विष्णुवंशी कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, शिववंशी बनना पड़े। देवी देवता बनने के पहले पहले तो बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा ना, बाबा के श्रीमत पर चलना पड़ेगा, स्वदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा, तब हम सत्यु के क्या बनेंगे, बहुत ही विष्णुवंशी में जा सकेंगे। फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते, अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में एक सेकंड लगता है, बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना न सके। बाबा कहते बाबा की सिवाय कोई भी मनुष्य आत्मा धर्म आत्मा बाबा कहते कोई भी बना नहीं सकता है। यह तो बच्चे जानते हैं, विष्णुवंशी होते ही सत्युग में यहाँ नहीं होते। यह है विष्णुवंशी बनने का युग, क्योंकि पढ़ाई अभी करेंगे, सत्युग में पढ़ाई नहीं करेंगे। अभी इस पढ़ाई करेंगे विष्णुवंशी में जाने के लिए, फिर बाबा कहते यहाँ से पास हो जाएंगे तो हम सत्युग में जाएंगे। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्य अच्छा और बहुत अच्छा है। विष्णु था सत्युग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए, इसमें खुशी भी बहुत होती है। दुनिया में जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सीए बन जाता है तो कितनी खुशी होती है। समाज को भी गर्व है कि मेरे एरिया से फलाना ने इतना टॉप किया है। माँ बाप को भी खुशी होती है, परिवार में भी खुशी होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे बाबा को भी बहुत खुशी होती है कि जब मेरे बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं। नई दुनिया नई विश्व में गोल्डन एज विश्व में विश्ववंशी बनना है, इससे ऊंच पद और है नहीं।
इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। परदेशी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बाबा कहती, बच्चे बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगेंगे। ब्रह्मा बाबा को बहुत चिंतन चलता था, कैसे क्या करे जो बच्चे सहज समझ जाए। तुम ही समझा सकते हो, उनमें भी लिखा हुआ है, हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, जरूर अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। नशा चढ़ रहा, नशा चढ़ रहा। बाबा कहते, विश्व के मालिक कौन था? हम ही थे, हम ही गवा दिए, फिर अभी विश्व के मालिक बनने के लिए फिर पढ़ाई पढ़ रहे। बाप समझाती है, मेरे मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बाबा याद दिला रहा, क्योंकि आप भूल गए थे कि बच्चे तुम ही मालिक थे। बच्चे को अब बुद्धि में आया है, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, पूरा याद आ गया, स्मृति आ गई है ना। शिव बाबा बच्चों को कहती है, हे बच्चे, तुम सत्य में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। कहाँ? सत्य में कोई भी न पूजा करने वाला था, न पूजा के समान थे। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है, यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाती है, वह तो ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊँचे से ऊँच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रही है, शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे बाबा? तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो, तो ना बाबा कहते, बच्चे तुम ही देवी देवता थे, पूज्य थे, और आज ये अपने आप को भूल गए तो क्या बन गए? पुजारी बन गए, खुद की पूजा खुद कर रही। जीव देवताएं निर्विकारी थे, फिर कहाँ गए? पूछ रहा बाबा, कहाँ गए? हिसाब ले रहा, जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अच्छा नोट करना चाहिए। चलो बाबा कहते, बच्चे एक एक अच्छा नोट करके उसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। कहाँ? दिल में छप जाना चाहिए। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा, वही स्वर्ग रस्ते। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे न सके, लौकिक बाप तो है देधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पर लौकिक बाप को याद करते हो, बाबा तो बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं। हे बच्चे, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे,
फिर तुम पुजारी बने हो। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाती है। बाबा कहते एक फुट करके क्या करते, बड़ा करके बनाती है, लेकिन रावण मरता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति को एक बार जला देती है, फिर थोड़ी जीवित होते। बाबा कहते लेकिन रावण क्या करता है, हैं? हर साल लोग जलाते हैं और हर साल बड़ा होकर के बनाते। तो आज संसार में रावण बढ़ता ही जा रहा है, विकार बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम निशान नहीं। तो इसे बाबा कहती बच्ची फिर भी मरता ही नहीं है, 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। बहन 7 नहीं बजा, सत्यग में सभी शिष्टाचारी थे। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। चलो बाबा के पास। से प्यारे परमात्मा को
जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कौन सी पॉइंट चल रही थी? बाबा कहते बच्चे सत्युग में सभी शिष्टाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है, यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजा पिता ब्रह्मा वंशी संगम युग पर बैठी हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं, क्योंकि शूद्र से निकल के ब्राह्मण बन गए। इस समय है ही आश्री राज्य, बाप को कहती है हे दुखहर्ता सुखकर्ता, अब सुख कहाँ है? बाबा कहते बच्चे सुख कहाँ है? शिव बाबा आया ही दुख से लिबरेट कर हमको सुख धाम में ले चलने। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुखहर्ता सुखकर्ता है ही शिव बाबा, वह वर्षा देती है सुख का। सती को सुख धाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेती है, समझती अब शरीर बूढ़ा हुआ। भगवते सत्युग में न जन्म में दुख है न मरने में दुख है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे वहाँ 150 वर्ष की आयु पूरी होगी, बस संकल्प आएगा शरीर छोड़ देंगे, इच्छा मृत्यु। पहले बच्चा सत्वगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी भिखारी गृहस्थी से सन्यासी बनती है, तो उनको सब विकार का पता है। किसके लिए बाबा कह रहा? साधु सन्यासियों के लिए। उससे भी बाबा कहते बच्चे श्रेष्ठ तो बच्चे होते हैं जो विकार का नाम निशान भी नहीं, उनको पता ही नहीं है। छोटे बच्चों को पता भी नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है, शिष्टाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। शिष्टाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी शिष्टाचारी नहीं है। कहाँ नहीं है? इस कलयुगी दुनिया में। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। यह ही पारस बुद्धि बनने का युग। हमारी बुद्धि पहले क्या थी? पत्थर बुद्धि थी। बाबा मिला तो हम बच्चों को क्या करा? गढ़ रहा पत्थर से, फिर क्या बना दिया? पारस बना दिया। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बना कर जाता हूँ, बाप जैसा सत्य। बाबा कहते बाप जैसा निष्काम सेवाधारी, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला दुनिया में कोई है? दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं है। बाबा कहते बस दे अपना परिवार ही क्यों नहीं हो, अपना बेटा भी, बेटा को भी क्या है
स्वार्थ है, माँ बाप को भी अपना स्वार्थ है, बेटा बड़ा हो जाएगा मेरा सहारा बनेगा। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते, कहती हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं, जरूर बाप ही बनाएंगे। शिव बाबा निर्विकारी बनाते हैं और रावण विकारी बनाते हैं। विकारी कौन बनाते हैं यह किसको भी पता नहीं है। बाप बैठ समझाती है, बच्चे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, मनुष्य भले इतना यज्ञ तप पूजा पाठ सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी अंधकार में है, पता ही नहीं है, न खुद के बारे में पता है, न ईश्वर के बारे में पता है, या जिस भी देवी देवता को पूजा कर रहे हैं उसके बारे में भी वो नहीं जानते हैं, तो अज्ञानता ही कहेंगे। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया तो क्या कहेंगे, स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नरक में था ना, बाबा कहते युक्ति से समझाओ उसको, तो उससे बताओ इसका मतलब नरक में था ना। अच्छा नरक से निकल करके स्वर्ग में गया तो स्वर्ग तो बहुत सुखी दुनिया है, संपन्न दुनिया है, तो ऐसी दुनिया में जब तुम्हारा बाप गया तो खुश होना चाहिए ना, फिर रोते क्यों और फिर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो उसको बुला करके। बाबा कहते उसको युक्ति से ज्ञान को कैसे समझाना चाहिए, युक्ति से बाबा वो पॉइंट बता रहे। तो तुम भी नरकवासी ठहरे, कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी क्या नहीं समझते, अपने को कोई भी नरकवासी नहीं समझते। नरक को वेश्यालय और स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, हम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है क्योंकि 84 जन्म बाबा कहते तुम बच्चे लिए, इनके लिए ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है ना, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित हो, पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। एक एक बातें बाबा याद दिला रहे हैं, पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सदगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं, खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। किसमें बैठ के, नंदीगढ़, इसलिए शिव के सामने नंदीगढ़ दिखाया गया, बैल दिखाया गया, गाय नहीं दिखाते, बैल अथा पुरुष की निशानी। तो बाबा कहते नंदीगढ़ को चुना बाबा ने और इसमें बैठ करके फिर बाबा एक एक राज हम बच्चों के सामने स्पष्ट किया। बाकी 84 लाख योनियां आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई, उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आती है वही पूरी 84 जन्म लेती है, तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रही है, तुम कहती हो हम आए हैं इस पाठशाला में व यूनिवर्सिटी में जहाँ हम नरसिंह नारायण बनते हैं। बाबा कहते बच्चे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम दाखिल हुए हैं
किस लिए? देवी देवता बनने के लिए। तो इसलिए पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, क्या है? लक्ष्मी नारायण। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही तो पास होंगे। तो बाबा कहते जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो थोड़ी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनती है कोई कम, यह राजधानी बन रही है। बाबा क्या करें, यह राजधानी बन रही है, इसमें सब चाहिए, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए, सब चाहिए है? तुम जानती हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रही है, इसलिए चाहे कोई कुछ भी बने लेकिन हमारा लक्ष्य क्या हो, हमें क्या बनना है? लक्ष्मीनारायण बनना है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, अश्री श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकती है? बाबा कहती बच्चे अब किसी को भी श्री नहीं कह, पहले के नाम लिखते थे तो क्या कहते, श्री फलाना देवी, अभी बहुत कम हो गया, अब नहीं दिखते। लेकिन बाबा कहते उसका अर्थ तो लोगों को पता ही नहीं है, है? परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था, रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत करते। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल आशुतोष भाई कंगाल बन गया। देवताओं के आगे जाकर उनों की महिमा गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं परंतु रहम दिल थोड़ी थे, रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है, तो मनुष्य देवता बनाते। देवी देवताओं के सामने बहुत जाके महिमा किया, बहुत कुछ किया, आप देवता बन गए? है बाबा कहते शिव बाबा आकर के हम बच्चों को रहम किया, दया किया, जो हम बच्चों को ऐसा बनाया, कितने गंदे हो गए थे, दलदल में फंस गए थे, बाबा ने हम बच्चों को इस दलदल से निकाला है और निकाल करके साफ सुथरा करके फिर बाबा हम बच्चों को देवी देवता बनने का पढ़ाई पढ़ा रहा है। रहम दिल तो कोई कहा जाता है जो मनुष्य देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा कौन है? कौन है? मेरा बाप है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। गारंटी करती है, क्या गारंटी करेगा बाबा? मेरी को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। किसी ने किया आज दिन तक? अपने भक्ति बहुत किया है, मंदिरों में गए, पंडित जी ने कहा, महात्मा ने कहा, आपके गुरु ने कहा है? नहीं कहा। किसने कहा? मेरा बाप ने कहा कि बच्चे मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारा जन्म जन्म का मैल धो देंगे, सब खत्म कर देंगे। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है, यह 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी, दुनिया पतित होगी फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहती है
पतित रावण बनाती है, पावन मैं बनाता हूँ, है ना। रावण बनाना, रावण क्या बनाता, पतित बनाता, भिखारी बनाता, काला बनाता, और बाबा आकर गोरा बना रहा है। बाकी यह तो जैसे गुणियों की पूजा करते रहते हैं। क्यों बाबा कह रहा है गुणियों की पूजा? गुड़ियों का नाम बाबा ने लिया, जैसे छोटेपन में बच्चे में क्या करते थे, गुड्डा गुड्डी बनाते थे, खेलते थे, शादी ब्याह कराते थे, सब फिर तोड़ताड़ कर फेंक दिया। आज का मनुष्य भी क्या लाखों खर्चा करते ही दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, काली पूजा, क्या क्या नहीं करती, लाखों खर्चा करती है। जैसे बाबा इसको क्या कहते, गुड़ियों की पूजा। उनको यह पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देती है। अब रावण को ही जलाती, हर साल जलाती, रावण का 10 शीश दिखाती, उसके ऊपर गधा का भी सीन दिखाया गया, पता ही नहीं। किसी से पूछो, कोई व्यक्ति ऐसा 10 सिर वाला था, पूछो उनसे। अच्छा इमेजिन करो, अगर 10 सिर है और वो रास्ता में चल रहा है तो कैसा लगेगा, आप सोचो। 2 सिर वाले भी जोड़ो, ऐसा हो जाता है तो बाबा के तो सोचो, लोगों ने कैसे कैसे बना दिया। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है जो मनुष्य आत्मा नहीं जानती है। और बाबा का ज्ञान इतना सहज, इतना स्पष्ट, बाबा ने एक एक शब्दों को बाबा ने कितना स्पष्टीकरण किया है। बाबा के तो 10 से 5 स्त्री का, 5 पुरुष का, 5 विकार स्त्री में भी है, 5 विकार पुरुष में भी है। गधा का सीन दिखाए थे बाबा के तो ऊपर में, शिष्य के ऊपर में। इतने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे, दुख देने वाला, दुख देने वाला ही काम कर रहे। विष्णु को भी 4 बोझा देती है, अब रावण को 10 शीश, विष्णु को 4 हाथ, दुर्गा माँ को 8 हाथ, अब बताओ ऐसे, ब्रह्मा को 4 हाथ। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे था क्या? परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी कभी होता है क्या? अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं। अब गणेश को बताओ, सुड़ वाला दिखाते, उसको भी देवता कहते। भक्ति मार के शास्त्रीय कंठ कर लेते, उनों की भी कितने फॉलोअर्स बन जाते, कमाल है। बाबा कहते बच्ची कमाल है, यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, बाबा ज्ञान का सागर है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर तो मुझे कहते हो ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह बाप की महिमा है ना। शिव बाबा की महिमा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, है? तुम बाप को याद करती हो तो बाप से ताकत लेती है। आप देखो उस दिन, जिस दिन अमृत वेला नहीं उठो, मुरली नहीं सुनो, हैं, उस दिन का देखो सारा दिन की दिनचर्या ऐसे मरा मुर्दा की तरह, जैसे लोग जान ही नहीं है, एकदम मरे मरे तरह रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह अमृत वेला शक्ति ले लो बाबा से, हैं, बाबा की क्लास के पहले आधा घंटा योग कर लो, मुरली सुन ले, एकदम रिफ्रेश हो जाता है। होता है या नहीं होता है, अनुभव है सभी को, हैं? जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा का बच्चा बनकर के भी अमृत वेला नहीं उठना, क्लास नहीं करना, जब मर्जी तब अपने माप से, तो बाबा तो क्या मतलब हो बाबा का, भगवान का बच्चा बन,
है, जिंदगी अधूरी है। जिससे विश्व के मालिक बन जाते, तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो अलमाइटी कहेंगे ना, या लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे, या माइट उनों को कहाँ से मिली, लक्ष्मी नारायण को शक्ति कहाँ से मिली, ये संगम एक में शिव बाबा से मिली, बाप से। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते बाबा, कितना एक ही बात रोज 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 समझाता। दुनिया में कोई मनुष्य थक जाए समझाते समझ, लेकिन बाबा अभी तक थकता नहीं है। यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके, पतित उनों की आगे झुकती है, किसकी आगे, पावन के आगे, पवित्रता के आगे झुकती है। समझते हम भक्त हैं। अब देखो छोटी कुमारियों की पूजा करते नवरात्र में तो क्या करते, पैर छूते है ना, और वही कुमारी जब बड़ी हो जाती है सिर्फ सेंदूर लग जाता है तो क्या होता, सिर्फ सेंदूर लग गया, जब तक सेंदूर नहीं लगा तब तक पूरी लाइफ चेंज हो जाती, वो जो पिरूटी की चेहरा थी वो खत्म हो जाती है। एक ही बाबा कहते एक सेंदूर खाली लगाते, आप सोचो। तो बाबा कहती हमारी पवित्रता की कितना शान है, पावन के आगे माथा टेकते हैं, भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, आपके पास कितनी बड़ी संपत्ति है आप सोचो। अभी तुमको भगवान मिला है, कौन मिला, भगवान मिला है। भगवान वाच मैं तुमको राज्य सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। शिव बाबा आया है, हमने इतनी भक्ति किया और भक्ति का फल देने आया। गाते भी है, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। हमने तो इस जन्म में भक्ति किया ही नहीं, तो जरूर नेक्स्ट जन्म में हमारी भक्ति पूरी हो गई होगी। कई बाबा के बच्चे ऐसे ही बन जाते बिना भक्ति के भी, तो इससे स्पष्ट है कि नेक्स्ट जन्म में भक्ति उनकी पूरी हो गई थी, तभी इस जन्म में बाबा सहज रीति से मिला। भक्ति का फल देने आया, गाते भी है, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहती है मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊँगा। जो ऊंच थे ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सत्युग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी नहीं आएंगे। सुने बाबू, तो इस खेल को जीत लो, जो आत्मा समझ गई है वो सदा मौज में रहेंगी, उस खेल का मौज करते रहेंगी। जो इस खेल का राज को नहीं समझा वो दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे, हताश होते रहेंगे। देखो अभी क्या परमानंद का अनुभव हो रहा है, अच्छा मीठी मीठी सीख ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या सुनाया बाबा ने? बाबा जो सुनाया है, भगवान जो सुनाया है, वो हमारे दिल में छप जाना चाहिए। और पावन के आगे पतितात्मा नमन करते हैं। बाबा कहते ये विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम आत्मा यहाँ पढ़ते ही और पढ़कर लक्ष्मी नारायण बनते, ऐसा विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं है। और बाबा खेती बच्चे को आत्मा चली जाती है तो उनसे पूछो, रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरक से निकल स्वर्ग में गया है तो खुश होना चाहिए, रोती क्यों हो? और बाबा बैला गाड़ी में नहीं आता है, बाबा अनुभवी रथ का आधार लेता है, जो पूरा 84 जन्म लिया हुआ है। बाबा गारंटी करता है कि बच्ची तुम मुझे याद करो तो सारा पाप खत्म हो जाएगा, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप आकर पतित से पावन बनाते, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। और सुभावेन बाबा आते हैं भक्ति का फल देने के लिए। और पहले पुजारी थे, फिर पूज्य बने, फिर पुजारी से फिर पूज्य बनना है, सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। और हमारा एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो कि हमें ये बनना है। और ना मरने में दुख है, ना वहाँ ना जन्म लेने में दुख है, वहाँ ना पूजा करेंगे ना पूजा पाठ की सामग्री होगी, और यहाँ आती है रिफ्रेश होने के लिए। हर साल रावण को जलाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है क्यों जलाती है, क्यों 10 दिया है, इसका राज आपको बताना है। और श्री श्री एक शिव बाबा ही है, कोई भी किसी को भी किसी भी आत्मा को श्री नहीं कर सकते, क्योंकि श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ बाबा कहते तुम बच्चे हो, लक्ष्मी नारायण है और श्री श्री शिव बाबा है। और जो नंबर वन में आने वाली आत्मा वही 84 जन्म लेगी। और आशुतोष भाई संग तारे कुसंग बोरे, ऐसे के संग नहीं करना जो हम डूब जाए, ऐसे का संग कर जीवन तर जाए, वो सच्चा है शिव बाबा, ऐसे का संग करना है। और उसको बताओ नरक का भोजन क्यों खिलाती हो? आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी नीच है, कपटी है, हैं? और बाबा कहते पवित्रता का कितना मान है, जिसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया, एक छोटा सा बच्चा जो है उसको विकारों का कुछ भी पता नहीं है। महात्मा लोग, सन्यासी लोग तो फिर भी विकार का अनुभव किया है,
और करके फिर वो सन्यास धर्म, तो उनको तो सारा चीज़ें पता है, स्मृति में है, लेकिन छोटा सा बच्चा जो है उसको विकार का कुछ भी पता नहीं है। तो इसी बाबा तो इनोसेंट है। और हो गया बाबा कहती बच्चे दुनिया में गुड़ियों की पूजा करते रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। कहाँ खोए हुए हैं? संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कुसंग से दूर रहना है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। हो गया। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। निर्विघ्न विजयी भव लिखिए। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। स्पष्टीकरण है, विघ्न आना ये अच्छी बात है। क्या कहा बाबू ने? विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए है। पेपर आना अच्छी बात है, पेपर होना तो अच्छी बात है ना, आपको पता चलेगा कि हमारी पढ़ाई कितना, पढ़ाई में कितना हम अच्छा है, क्योंकि अच्छा नंबर से पास करते तो माना हम समझते कि भाई हमारा पढ़ाई अच्छी तरह से जा रही है। पेपर होता है, नंबर कम आता है, तो क्या कहते हैं, पढ़ाई में अभी कमज़ोर है। तो पेपर से ही पता चला,
ऐसे ब्राह्मण आत्मा के जीवन में अगर पेपर ही नहीं आए तो आपको कैसे पता चले हमारी स्थिति क्या है। लेकिन विघ्न हार ना खिलाए, विघ्न आती ही है मजबूत बनाने के लिए। विघ्न आता है मजबूत भी बनाने के लिए, अनुभवी भी बनाने के लिए, और एक क्लास छोड़कर दूसरी क्लास में ले जाने के लिए भी, है ना। इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो। तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। समझे, जैसे लौकिक में भी जब कोई घर में कार्यक्रम होता है, लड़की की शादी पड़ी है या कुछ भी फंक्शन होता है तो आपका नींद फिर जाता है। भले आप कितना भी दोपहर में सोते थे, हैं रात को अच्छी तरह से सोते थे, लेकिन जब तक प्रोग्राम होता है तब तक क्या करते हो, नींद फिटा रहता है। क्यों? चिंतन चलता है कि ये करना है, ये करवाना है, ऐसे करना है, ये ठीक करना है, चिंतन चलना। तो बाबा के ज्ञान में भी बच्चों का ये दिमाग नहीं चलता है, मन बुद्धि नहीं चलता है, तभी नींद आती है। जिसका ज्ञान में मनन चिंतन चलता रहेगा उसे कभी नींद नहीं आएगा। मुरली सुन रहे जागरी को, बाबा क्या सुना रहे हैं, अच्छा ये बात बाबा ने सुनाया है तो इसके कैसे एक एक बात को स्पष्टीकरण अपने अंदर ही देते रहो, फिर देखो नींद फिर जाएगा। सुन रहे बस बाबा कहते बच्ची, जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। बिजी रहेंगे तो माया क्या कर लेगी, किनारा कर लेगी। वो देखेगी ये तो बहुत बिजी है, चलो हैं दूसरे के पास चलते हैं, क्योंकि जहाँ खाली देखेंगे वहाँ प्रवेश करेगी। अच्छा स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अच्छा ओम शांति।
मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना। मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने परवाना। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना। शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको। विष्णु के देव घराने में मुझे ना